हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंजेल्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फुटोरे में देखा था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की थॉट्स हम जानते हैं। Strength, Six of Wands, Five of Swords, the Devil, the Empress, the Hangman, the Hierophant and the Temperance. ये इनकी thoughts हैं, जैसे कि हमने exactly discuss किया था आज energy theme for today में, कि या तो ये misunderstood हुए हैं या फिर इनके और आपके बीच में कुछ ऐसे unclear conversations रहे हैं, unsaid words रहे हैं, जहाँ से एक misunderstanding pop up हुई है आप दोनों के बीच में। situations ऐसी होगी कि आपके person कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन इनके सामने इनका ईगो बहुत बड़ा है, या फिर ये एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पर ये अभी आपको किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं दे सकते होंगे। ऐसी सिचुएशन होगी एंड एट द सेम टाइम दे नो दैट कि आप इनके लाइफ के बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हो और ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ इस कनेक्शन में एक पोटेंशियल देखते हैं, आपको एक बेटर मैच मानते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर इन्हीं कारणों के चलते आपके पर्सन एक एंगर में चैनल हुए हैं। दे आर आइदर एंग्री या फिर दे आर जस्ट हेल्पलेस कि ये अभी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। इनका जो प्राइड है, इनका जो ईगो है यहाँ पर बीच में आ रहा होगा, वरना तो ये आपकी तरफ बढ़कर आपको मना लेते। अगर आप इनसे रूठ कर गए हो या आप इनसे गुस्सा होकर गए हो, तो इन्हें पता है कि अगर ये आकर आपको मना लेते हैं तो आप मान जाओगे, लेकिन इनका जो प्राइड है वो हमेशा बीच में आ जाता होगा। प्राइड इस बात को लेकर हो सकता है गाइस कि या तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फेमस होंगे, अपने किसी लाइफ के एरिया पर बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे होंगे, इनकी लाइफ में, इनके फैमिली मेंबर्स में या फिर इनके फ्रेंड सर्कल में इनकी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन एंड वैल्यू होगी, रिस्पेक्ट होगी, और जहाँ से ये आपके साथ जुड़ते हैं वहाँ पर भी ये एक बहुत ही ग्रेट पोजीशन होल्ड करते होंगे। और जब बात यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स की आ गई है तो ये क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने आकर, क्योंकि इनका वो जो एक प्राइड है या फिर एक इनकी जो पोजीशन है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, वो वहाँ से खुद को गिराना नहीं चाहते या फिर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जहाँ पर इनकी रिस्पेक्ट में कमी आए, यू नो। तो इस तरह का एक सिनेरियो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। दे आर वेटिंग, रादर ये चाहेंगे कि आप इनकी तरफ कोई एक्शन रखें, आप इनसे कुछ क्वेश्चन करें, या फिर जिस तरह का भी एक्शन आना है वो अगर आपकी तरफ से आ रहा है तो मे बी दिस पर्सन इज़ गोइंग टू आंसर यू बैक। लेकिन जब यहाँ पर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऑन दी अदर हैंड ये आपकी तरफ कुछ प्रेजेंट नहीं कर पा रहे होंगे। रीज़न यही है कि इनका ईगो इनके फोर फ्रंट पर अभी बैठा हुआ है एंड दे आर जस्ट नॉट क्रॉसिंग दैट। अगर ये उस ईगो को क्रॉस कर लेते हैं या फिर अपने प्राइड को साइड लगा कर ये आपसे आकर बात करना चाहें तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटिफुली सब कुछ रिजॉल्व हो सकता है। तो मैंने आप लोगों की एनर्जी आज बता दी थी कि आप एक सिचुएशन को कम्प्लीटली एंड करना चाहते हो और ये शायद आपका आखिरी फैसला होगा कि या तो आप यहाँ से वॉक अवे कर रहे हो या फिर आपने इस सिचुएशन से गिव अप कर लिया होगा। ये सिचुएशन एक तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को भी लेकर हो सकती है या फिर आप कुछ और डिस्कस करना नहीं चाहते यहाँ पर। आपने अपने लाइफ की तरफ अपना जो एक कॉन्सेंट्रेशन है, एक अटेंशन है, वो मोड़ लिया है, आप वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, आप किसी और चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहते, क्योंकि आपने हो सकता है हद से ज़्यादा यहाँ पर अपना टाइम दिया होगा, अपनी एनर्जी लगाई होगी। जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग रिजॉल्व नहीं हो रही हैं और दिन ब दिन सिचुएशंस आप लोगों के लिए वर्सन होती जा रही हैं तो आप ऐसा रिस्क यहाँ पर दोबारा लेना नहीं चाहते होंगे और आप 100% यहाँ पर चाहोगे कि आपकी वर्थ पता चले। अगर आपके पर्सन आपको समझ नहीं रहे हैं या फिर वाइस वर्सा, जो भी जिस तरह की भी सिचुएशन है यहाँ पर कि बातें या फिर एक
थॉट प्रोसेस या एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में एक जो म्यूचुअल ग्राउंड है वो शेयर नहीं हो पा रहा है, और ईगो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके पर्सन की लाइफ में, तो ये चीज़ शायद आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इफ़ दिस पर्सन इज़ रियली वेरी सोशल, तो आप यहाँ पर इन्हें एंटरटेन नहीं करना चाहते इस बात को लेकर के आपको शायद पसंद नहीं होगा इनका हद से ज़्यादा ओवर सोशलाइजिंग करना, या इनका एक जो मतलब अगर फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड्स का ग्रुप इनका बहुत बड़ा है, इनके बहुत ही जानने वाले पहचानने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, इनका सर्कल अगर बड़ा है, इस तरह से भी अगर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं अपने सर्कल में अपने ग्रुप्स में, तो ये चीज़ भी शायद आपको पसंद नहीं होगी। तो वजह जो भी है, यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं जो कि बेसिक चीज़ें हैं, और वहाँ पर अगर बैलेंस नहीं आ रहा है तो इस कनेक्शन की ग्रोथ में एक ऑब्स्टिकल छिड़ गया है यहाँ पर, तो ऐसी एनर्जी है। और बहुत सारे लोगों के लिए ईगो प्राइड भी हो सकता है, ये भी एक बहुत ही मेन बेसिक चीज़ है कि जहाँ पर ईगो होता है वो रिलेशनशिप कभी ग्रो नहीं कर सकता। मतलब रिलेशनशिप को ब्यूटिफुली ग्रो करना है तो ईगो को साइड लगाना होगा, एक टाइम आपको लगाना होगा, एक टाइम उन्हें लगाना होगा। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ही गिविंग रहे हो तो आप हर बार ये चीज़ करोगे, ये भी ज़रूरी नहीं, ये भी मुमकिन नहीं है, ये भी एक इम्बैलेंस्ड सिचुएशन है, और आपके पर्सन को इस बात को ज़रूर समझना होगा। और अगर ये नहीं समझ रहे हैं और आपने वॉक अवे किया है तो आपने बहुत सही किया है, इसी एनर्जी में आपको रहना चाहिए ताकि इवेंचुअली इस पर्सन को रियलाइजेशन हो कि आप क्या चाहते हो यहाँ पर। ऑलराइट, तो इनकी फीलिंग्स के लिए हम कार्ड स्पीक करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, पेज ऑफ कप्स एंड द व्हील। तो यहाँ पर आपके पर्सन एक क्लैरिटी आपके सामने लेकर आना चाहते हैं, बस ये सोच रहे हैं, लाइक इनकी बस एक फीलिंग है ऐसी कि दे रियली वॉन्ट टू क्लियर अप द एयर बिटवीन द टू ऑफ यू। आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसी कन्वर्जेशन है जो सही से क्लियर नहीं हो पा रही है, पैशन है यहाँ पर, एंड दे आर जस्ट ईगरली वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम्युनिकेट विथ यू कि ये आपको बता दें। ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे होंगे, ये अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में होंगे कि ऐसा कोई मुझे मौका मिल जाए और मैं इस पर्सन को बता दूँ कि मैं गलत नहीं था या गलत नहीं थी, और ये पर्सन मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऐसा ये नहीं सोचते, आई एम जस्ट सीरियस फॉर दिस पर्सन और मैं यहाँ पर वर्क करना चाहता हूँ, इस सिचुएशन पर वर्क करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड मैं अभी अपने लाइफ के किसी एरिया पर स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इस पर्सन के लिए मैं बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करता हूँ या करती हूँ, यू नो, और यहाँ पर कुछ मिरेकुलसली टर्न होने का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स से बहुत साफ नज़र आ रहा है कि कुछ तो बात है जो इन्हें रोकती है, कुछ तो बात है जहाँ पर ये खुद को अलाउ नहीं कर पा रहे हैं, वरना तो इनके लिए ये एक सेकंड का काम नहीं होगा कि ये आपके सामने आकर क्लैरिटी रखते हैं। अगर इवन इफ इट इज़ अबाउट देयर फीलिंग्स, अगर आपको लगता है कि इफ़ दे आर नॉट लॉयल टूवर्ड्स यू, यहाँ पर थर्ड पार्टी एंगल का कोई एक सिचुएशन पॉपअप हुई है, अगर आपको लग रहा है कि ये आपको चीट कर रहे हैं, फिर ऐसा कोई भी सिनेरियो हो, आपके पर्सन ईगर हैं इस बात को आकर आपसे बताने के लिए कि मैं एक बार बता ही दूँ, यू नो, एंड शायद वो मौका इन्हें नहीं मिल रहा होगा, एंड इनका प्राइड भी तो है, इनका एक ईगो भी तो है कि ये कैसे इनिशिएट करें टॉपिक को, ऐसा कुछ होगा। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है यहाँ पर कि अब तक भी आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर एक डिस्टेंस है, लिटरल डिस्टेंस भी हो सकता है, या फिर वो एक हिचकिचाहट भी होती है ना, हेसिटेशन के मैं कैसे बोलूँ, यू नो काइंड ऑफ थिंग, तो ऐसा कुछ तो है जिसके चलते आपके पर्सन अभी मौका तलाश कर रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स के यूनिवर्स इन्हें किसी तरह से कोई अपॉर्चुनिटी लाकर दे कि ये अपने एंड की बातें आपको समझा सकें, बता सकें कि आप कितना गलत सोच रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो भी आपको दिखाई दे रहा है, या फिर जो भी आप सुन रहे हो इनके खिलाफ हो, या फिर जहाँ से भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है वो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है या फिर सेकेंड हैंडेड इन्फॉर्मेशन है, उस पर आपको कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बिलीव नहीं रखना चाहिए, कभी इनके एंड पर भी आकर आपको सोचना चाहिए, इस तरह की बातें आपसे कहना चाहते होंगे गाइस।
ये क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको और ये बताना चाहते हैं कि हाउ दे आर, हाउ मच दे आर सीरियस फॉर यू एंड ये आपके बारे में बहुत अच्छी फीलिंग्स फील करते हैं एंड दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट बोथ ऑफ योर फ्यूचर एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, और हो सकता है डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, और आपके पर्सन हो सकता है एक तरह से सॉरी भी हैं। सॉरी इस बात को लेकर हो सकते हैं कि ये आपको समझा नहीं पाए, इस बात को लेकर सॉरी हो सकते हैं, या फिर अगर इनसे कुछ भी जाने अनजाने में एक हल्की सी कोई मिस्टेक हो गई है उसके लिए भी आपके पर्सन शायद आपसे आकर सॉरी भी कहना चाहते होंगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं। अगर आपके साथ इसी तरह की सिचुएशंस रेजोनेट कर रही हैं तो ज़रूर ये आप लोगों का ही शिफ्ट है गाइस। तो फाइनली यहाँ पर आपके पर्सन अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या है और इनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है ये हम देखते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, एट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। ये इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस कनेक्शन पर कि ये चाहते हैं कि एफर्ट यहाँ पर रखा जाए, मतलब आइदर बाय यू और बाय देम यहाँ पर एफर्ट आने ही चाहिए। ये जो कनेक्शन है इसको ऐसे ही हम प्रोक्रेस्टिनेशंस में नहीं छोड़ सकते, यहाँ पर हर दिन एक एनर्जी एक्सचेंज चाहिए, हर दिन एक दूसरे की तरफ से वो एक एफर्ट जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स रखने चाहिए। अगर ये कनेक्शन एक डेड वेज में प्रोसीड हो रहा है, मतलब कुछ तो यहाँ पर ख़त्म सा होने लगा है, तो आपके पर्सन इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करते। ये चाहते हैं कि एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज या फिर कम्युनिकेशन एक्सचेंज होते रहना चाहिए। इवन एक तरह की ब्यूटीफुल से कन्वर्सेशंस भी होनी चाहिए, प्यार को ज़िंदा रखना चाहिए। जैसे कि मैंने आज एग्जैक्टली आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आपके पर्सन का बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि दे बिलीव इन लव, और इनको लगता है कि प्यार में इतनी ताकत है कि प्यार से हर एक चीज़ रिजॉल्व हो सकती है। तो अगर उस प्यार में कमी आ गई है आप दोनों के बीच में, अगर वो प्यार कम सा लग रहा है, तो आपके पर्सन यही चाहेंगे कि वो प्यार दोबारा से रिस्टोर हो सके, यहाँ पर एक लव की नई शुरुआत हो सके। बाकी सारी चीज़ों को अगर आप साइड लगाकर सिर्फ और सिर्फ लव पर फोकस करोगे तो शायद सब कुछ रिजॉल्व होगा, ऐसा आपके पर्सन का सोचना है। आई डोंट नो ऑन दी अदर हैंड आप लोग क्या सोचते होंगे, लेकिन आप लोगों की एनर्जीज को देखते हुए यही लग रहा था इन द एनर्जी थीम फॉर टुडे कि आप लोग यहाँ पर और सर्विंग नहीं रहना चाहते, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पर, आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुद को अनकंडीशनल रखा होगा, और अंत में अगर शायद आपको समझा नहीं जा रहा है या फिर आपको वर्थ एंड वैल्यू नहीं मिल रही है, लाइक जिस भी फॉर्म में आप चाहते हो कि आप अप्रिशिएटेड रहें, अगर उस मैनर में आप अप्रिशिएटेड नहीं महसूस कर रहे हो, वो मकाम आपको अगर नहीं मिल रहा है, तो शायद आप कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में बने नहीं रहना चाहते, हद से ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना चाहते, तो शायद इसलिए आपने वॉक अवे करने की ठानी है। और हम कल से भी एक एनर्जी ऐसी डिस्कस कर रहे हैं कि रिजल्ट्स उन्हीं को देखने को मिलेंगे जो लोग कम्प्लीटली वॉक अवे करेंगे इस बार, क्योंकि यही इसी तरह का शिफ्ट आप लोगों के लिए अभी आ रहा है फोर फ्रंट पर। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स को एक ऐसे टेस्टिंग टाइम में डाला जा रहा है जहाँ से इनके पास वॉक अवे होने के अलावा और कोई भी दूसरा चारा नहीं है, और जब आप वॉक अवे करोगे तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स को एक ट्रिगर दे जाएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, एंड देन दे वुड रियलाइज कि आपकी एक ट्रू वर्थ एंड वैल्यू क्या है, तब हो सकता है ये पॉसिबली कोई आपके लिए एक सॉलिड एक्शन ले सकेंगे। यहाँ पर आपके पर्सन का एक्शन तो आ रहा है विद द किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, द स्टार, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज के साथ। हो सकता है स्लोली आपके पर्सन कोई एक एक्शन लेना चाहेंगे आपकी तरफ, मतलब पेस बहुत स्लो रहेगा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अगेन इनडायरेक्ट फॉर्म में ही होंगी, क्योंकि आपके पर्सन को लिटरली यहाँ पर एक जर्नी तय करना पड़ रहा है। ये जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपके पर्सन का ट्विन फ्लेम जर्नी अभी स्टार्ट हुआ है और ये कुछ पड़ाव को पार करके ही आपकी तरफ रीच आउट रख सकेंगे, ये एक चीज़ है। और जो अदर चीज़ है,
फाइन, जो 3D फ्रंट की बात है, लिटरली यहाँ पर आपके पर्सन हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते होंगे और आप तक रीच आउट होने के लिए इन्हें जर्नी तय करना पड़ सकता होगा। यानी कि अगर ये दूसरे कंट्री में रहते हैं या फिर दूसरे स्टेट में या सिटी में रहते हैं, बहुत लंबा फासला है आपके बीच में, क्लियर कम्युनिकेशंस नहीं हो पाती क्योंकि डिस्टेंस की वजह से। ये भी एक बात हो सकती है कि आपके पर्सन अगर आप तक कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं या फिर कुछ आपको समझाना चाहते हैं तो इन्हें तय करके आना पड़ेगा वो जर्नी, और वो जर्नी लिटरल भी हो सकता है। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर, आपके पर्सन ज़रूर एक्शन लेकर आ रहे हैं लेकिन वो जो एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा एक स्लो पेस के साथ पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक टाइमलेस एनर्जी शिफ्ट भी हो सकता है, ख़ास करके एक्शन को लेकर। जब जैसी सिचुएशन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे तब ये इस तरह का एक्शन आपके पर्सन रख सकेंगे। मतलब कहने का ये है कि ऐसा एक सिनेरियो जब आपकी लाइफ में अपीयर होगा तब ऐसा एक्शन भी आप लोगों के लाइफ में पॉसिबल हो सकता है। लेकिन हाँ, आपके पर्सन की फ्यूचर की एनर्जीज को देखते हुए लगता है कि आपके पर्सन यहाँ से गिव अप नहीं करना चाहेंगे। इनकी डिज़ायर आपको ये आपको मांगते होंगे यूनिवर्स से, या फिर इन्होंने आपको मांगा होगा यूनिवर्स से, तब जाकर आप इन्हें मिले हो। तो ये किसी भी हाल में यहाँ पर से गिव अप नहीं कर सकते और आपको खोना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि वर्ल्डली मैटर्स की वजह से आप दोनों के बीच में वर्ल्ड भी आ रहा होगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपसे बताया ना कि आपके पर्सन अगर फेमस हैं या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स में या अपने फ्रेंड सर्कल्स में ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इनकी पोजीशन है एक वहाँ पर, तो ऐसे लोग भी आप दोनों के बीच में आ रहे होंगे, तो वो भी इन्हें साइड हटाकर आपके तक रीच होना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर लिटरली कुछ लोग हैं या कुछ ऐसा फासला है जो आपको दूर कर रहा है, इवन थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकती हैं। तो जो भी डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से भी डिस्टेंस बना हुआ है, तो वो भी एक रीज़न है कि आप दोनों यहाँ पर एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो। तो आपके पर्सन उस चीज़ के लिए ज़रूर ट्राई रखेंगे जहाँ से भी आपका और इनका मिलना पॉसिबल हो सके, एंड दे आर गोइंग टू फिगर आउट दैट पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी। और तब तक हो सकता है यहाँ पर टाइम लग सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, बट हाँ ऑफकोर्स आपके पर्सन यहाँ पर एक ट्राई ज़रूर दोबारा देना चाहेंगे, ये गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर इवन आप लोगों को ब्रेसलेट्स परचेज करना है, क्रिस्टल हीलिंग सजेशंस आपको जाननी है, चक्रा हीलिंग स्टोन्स आपको बाय करने हैं, तो आप ज़रूर मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो एक चैनल सॉन्ग ज़रूर बनता है आज की सिचुएशंस को देखकर, तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस, इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।